यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, चलो यार प्लीज। सच में रो रहे हो क्या? हेलो तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है, किसके ऊपर होने वाली है वो आप वीडियो में जाकर देखना। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मिलते हैं एंड में। और किसके साथ होगी वो आप देख ही लेना, वो आने ही वाले होंगे। मिलता है वीडियो में। हेलो, मैं तो यार सॉरी, मैं तो आपको धप्पा मारने वाला था पीछे से, आपने पहले ही देख लिया। मैंने देख लिया। किस क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, बैठे देखा। आज आज मैंने आज पहली बार मैंने तुम्हारे को वेट नहीं करवाया। मतलब आपने फ़ोन किया और एग्जैक्टली उसके क्या हुआ? चोट लगी बाबू को। वॉट, डोंट से बाबू, आई एम नॉट योर बाबू। तुम मेरे बच्चे हो, फिर क्या हो? जस्ट शट अप, आई एम नॉट योर बच्चा, व्हाट द फक। तो क्या हो गया? महबूबा? नो, नॉट दैट काइंड ऑफ वर्ड, इट्स वेरी चीप वर्ड्स। ओह, महबूबा इज चीप वर्ड? यस, चीप वर्ड्स। मुझे लगा वो उड़ने वाला वर्ड। वर्ड्स, बोलने वाले शब्द। मेरे को लगा उड़ने वाला जो होता है, चिड़िया उड़ती है वो बर्ड। कोई नहीं, वैसे कैसे हो तुम? चल रही है यार जिंदगी, बस कब रुक जाए वो भी नहीं पता। मतलब मतलब क्या आपका कहने का? वो तो जिंदगी एक दिन सबकी रुकनी है, तभी तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे मेरी शायद जल्दी रुक जाएगी आने वाले कुछ सालों में। क्या मतलब है, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, मैं हॉस्पिटल से कल आई थी। मेरा मन था बताने का, मेरा दो दिन आपको फोन किया, आपने कॉल मेरी पिक नहीं। मेरा मन था बताने का सबको, बट फालतू की टेंशन, रोना धोना। मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में अब ना रोऊं, बट ऐसे ऐसे मेरे साथ होते हैं ना। क्या हुआ फिर? आप हॉस्पिटल में था, फीवर हो गया था क्या आपको? यार फीवर तो बहुत ही, मैं खुशनसीब होती अगर मुझे फीवर होता तो। बट तो फिर क्या हुआ आपको? मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा। बट यार आप देखो मेरी बात सुनो, आप मुझसे कुछ मत छुपाओ, चाहे मेरे को ये सोच लो एज अ फ्रेंड सोच लो, या एज अ तुम्हें एज अ एक्स सोच लो। ब्लड कैंसर है। व्हाट, क्या बोला आपने? ब्लड कैंसर। यकीन नहीं हुआ था मुझे भी जब मैंने सुना था। नहीं यार, मैं मम्मी को, पता कल मम्मी को लेकर गई थी मैं, बट मैं अकेली अंदर गई थी डॉक्टर के पास, बट नहीं बताया मैंने मम्मी को। मैंने पता मम्मी को अपनी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी मम्मी को पढ़ना आता है। मैं रिपोर्ट छुपा कर रखा, मैंने अपनी बहन तक को नहीं बताया। रिपोर्ट कहाँ है? फ़ोन में क्लिक की थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक की थी कुछ? नहीं, मेरा फ़ोन मम्मी भी चलाती है, अगर कहीं देख लिया तो यार नहीं ले सकती। मैं नहीं मान सकता आप के बिल्कुल भी आप सच बोल रहे हो, क्योंकि ना मुझे ना ट्रस्ट ही नहीं है यार ऐसे कैसे। अभी थोड़े टाइम पहले आप मुझसे इतने अच्छे से मिले थे, अभी आप मुझे बता रहे हो कि आपको ब्लड कैंसर है। पागल हो गया तुम? मैं पागल हूं नहीं, शायद मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अगर कल से ना मेरे को ऐसा, मेरे को पता नींद तक नहीं आई। मैं बिल्कुल ऐसे हर मतलब अंदर से घबराहट सी होती है ना, वैसे हो रही है। डॉक्टर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी या कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? उसने गलती, मैं दूसरे डॉक्टर से आप चेक कराओ यार प्लीज। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? मेरे को पता है यार मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे को पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ यार, मैं नहीं मानता। प्लीज ऐसा ना, ये ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, नहीं तो मैं ना अभी पेड़ पे। मैं मजाक कर रही थी, मैं हंस रही होती। मैं यार इस चीज का मजाक, मतलब मैं अपनी हेल्थ को लेके मजाक करूंगी, सीरियसली मैं इतनी चूतिया नहीं हूँ। तो मेरी बात सुनो, और हंसती यार हंसने की बात है, मैं तो मैं हंस नहीं रहा हूँ। वो मेरे आंसू की जगह, मेरे आंसू की जगह ना मैं हमेशा, मेरी आदत है मैं थोड़ी से मेरे फेस पे ना स्माइल होती, क्योंकि ना वक्त से मैंने सीखा है चेहरे पे कभी उदासी नहीं होनी चाहिए। अगर उदासी होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, चाहे दुख में ही क्यों ना सही हो।
समझे अंदर से ऐसी मतलब वही सोच सोचने से घबराहट मेरी बात सुनो कुछ नहीं है मुझे लगता है उस डॉक्टर ने सही से चेक नहीं किया होगा मैंने पूछा दोबारा जाके कि कहीं ये रिपोर्ट गलत तो नहीं है ये वो डॉक्टर भी डांट रहा है कि हम डॉक्टर होके गलत करेंगे यार हद है यार ऐसा नहीं हो सकता यार ममता तुम्हें पता है तुम ही हो मेरे पास और तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं अभी यहीं पे ना फांसी लगा लूंगा मैं मर जाऊंगा कह दो तुम, लगा दो यार कह दो तुम ये सब झूठ बोल रहे हो प्लीज मैं क्यों झूठ बोलूंगी पागल हो क्या तुम यार ऐसा नहीं हो सकता ना यार ब्लड कैंसर मतलब समझते हो कि चांसेस भी बहुत कम होते हैं बचने के नहीं यार नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता मैं नहीं मानता मैं मेरे को भरोसा नहीं हो रहा प्लीज और ऐसा कुछ है भी ना तो आप मेरे साथ यार, चलो प्लीज तुम क्यों कहाँ चलूँ मैं मेरे साथ चलो अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे हम मैं कल जाकर आ गई यार अरे यार मुझे उस पे भरोसा नहीं है मेरे पता है मेरे अंदर इतने गट्स नहीं आ रहे कि मैं अपनी मम्मी को बताऊँ कि मैं हूँ आप मत बताओ अपनी मम्मी को अभी किसी को मत बताओ अभी मैं हूँ यार मैं जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं वो सब करूंगा प्लीज यार ऐसा मत बोलो प्लीज यार तुम्हें पता है तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो तुम्हें कुछ होगा तो मेरा क्या होगा तुम अपने सोच रहे हो मैं अपने सोच रही हूं कि मेरे को कुछ तभी मैं बोल रहा हूं ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा यार तुम ट्रस्ट मी नहीं मेरे को ना अब यार मैं मेरे को ना भरोसा नहीं हो रहा यार तुम क्या बोल रहे हो यार मेरे को भी नहीं ऐसा डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था क्या नहीं बात तो कुछ और थी बट अब भूल भी गई क्या बोल रहे हो छोड़ो यार बात इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती ममता मेरी बात सुनो मैं कल ही किसी बड़े हॉस्पिटल में बात करूंगा आप मेरे साथ चलो डॉक्टर तो सेम ही होते डॉक्टर क्या डॉक्टर क्या सेम होते हैं यार मुझे नहीं लगता डॉक्टर सेम होते हैं सारे कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत अभी स्टार्टिंग ही है ना सब कुछ रिकवर हो जाएगा उसने आपको डराने के लिए बोला होगा ऐसा नहीं हो सकता यार क्या मेरे से पर्सनली कुछ है कि अरे बात वो नहीं है ना कुछ सारे कुछ डॉक्टर्स पैसे खींचने के लिए भी करते हैं ना मुझे पता है ममता ये सारी चीजें और आप ना बिल्कुल भी टेंशन ना लो मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा मेरे साथ चलोगे आप मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट अभी चलो आप इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा मैं पता नहीं क्या ही बोलने आई थी मैं तो भूल भी गई यार घर जाने से क्या होगा घर जाओगे सो जाओगे फिर से वही मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो हॉस्पिटल मैं आपको डॉक्टर से दिखाऊंगा प्लीज मुझे नहीं दिखाना मैं कल दिखाकर आ गई कितने बार बोलूं यार आप मेरे अंदर अब इतने गट्स थे कि मैं अब दोबारा हॉस्पिटल जा गए थे मेरे घर के पास ही रहे तो वो ऐसी छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल होगा मैं सफदरजंग सुना है ना एम्स ठीक है मैंने सुना है एम्स का नाम भी सुना है और वहां पर डॉक्टर एम्स यहीं पे है मुझे पता है बट सारे डॉक्टर सेम नहीं होते मेरे कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर हैं एम्स में ही मैं डायरेक्टली आपको उनके पास लेके चलूंगा चार्जेस वगैरह भी कुछ नहीं होंगे प्लीज यार मैंने कहा मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं अब हॉस्पिटल दोबारा जाऊं दोबारा चेकअप कराऊं तो यार फिर और क्या यार तो क्या आप ऐसे ही छोड़ दोगे सब कुछ अब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना यार समझो आप कुछ कर भी तो नहीं सकती ना यार मैं कर रहा हूँ ना मैं सब कुछ झेलूंगा जो कुछ भी होगा प्लीज यार प्लीज ममता यार मेरी बात समझो आप चलो मेरे साथ यार तुम चाहते नहीं जाना मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है मैं बोल तो रही हूँ हिम्मत नहीं है मेरे अंदर यार मैं हूँ ना मेरा हाथ पकड़ लेना तुम शट अप यार व्हाट शट अप हमेशा कुछ शट अप ये वो फलाना ढिकाना अपनी हेल्थ से रिलेटेड यार तुम्हें नहीं पता कितनी यहाँ पे आके मैंने तुम्हें ये चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं ना इस दुनिया में आग लगा दूंगा और खुद में भी ठीक है समझे या तो तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में यार मैं कह रहा हूँ चलो प्लीज यार जो मेरे कुछ भी अंदर गट्स नहीं है समझ नहीं आ रहा यार मैं हूँ ना यार तुम्हारे साथ गट्स वाली क्या बात है इसमें चेक अभी तो कराना है कौन सा वो तुम्हारे इंजेक्शन लगाने वाले हैं प्लीज यार समझो आप मेरे साथ चलो इरिटेट मत करो मैं वैसे इतने टेंशन में हूँ तुम और के ये सब बोल रहे हो नहीं है भाई मेरे अंदर गट्स की मैं अब दोबारा हॉस्पिटल जा सकूं कितने बार बोलूं यार आप समझ क्यों नहीं यार प्लीज यार मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता ना तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा चलो यार ममता प्लीज मैं तुम्हारा हाँ। यार यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ चलो यार प्लीज सच में रो रहे हो क्या हेलो क्या हेलो वहां देखो
अबे यार ये सब क्या है? ये सब प्रैंक है। तुम मजाक कर रहे थे? रोने की जरूरत नहीं ना यार, यार इतनी गंदी वाली बीमारी कहाँ से हो जाएगी मेरे को? कुछ भी। कहाँ जा रहे हो?